छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मतदान पूरे हो गए हैं। इसके बाद से प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेताओं का बीजेपी के पक्ष में धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ओडिशा में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने गुरुवार को ओडिशा के नुआपड़ा का दौरा कर नुक्कड़ सभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान करने और ओडिशा में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। दीदी बहनी हो, हमन 1000 रुपया महीना महतारी वंदन देवा था। यदि तुमन कमल खिलाए हो, ओडिशा में कमल खिला दो। हमन ओडिशा के दीदी बहनी ला सुभद्रा योजना में 50,000 के कार्ड मिली। वो कार्ड ला 2 साल में आप ला खर्चा करना है, ओला वापिस नहीं करना है। पैसा ला खर्चा कर दे 2 साल में, फिर कार्ड मिली, फिर 2 साल चली। निश्चित रूप से सब यहाँ छत्तीसगढ़ ही बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों से सीधा संबंध है, रिश्तेदारी है, छत्तीसगढ़ रोज आना जाना है इधर के लोगों का, तो छत्तीसगढ़ से मिक्स है पूरी तरह से। और इसलिए मुझे भी आनंद आ रहा है छत्तीसगढ़ ही में बात करने का, छत्तीसगढ़िया व्यंजन खाने का। पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के जैसा ही रहन सहन खान पान है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ही एक युवा नेता है, ऊर्जावान है और लगातार क्षेत्र में सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, युवा जोश है। तो नुआपाड़ा विधानसभा को एक अच्छा प्रतिनिधि मिलेगा। अभिनंदन पंडा के रूप में मैं नुआपाड़ा विधानसभा के सभी भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि युवा ऊर्जा को ताकत दें, उन्हें विधानसभा भेजें, विधायक बनाएं, ताकि आपके क्षेत्र को विकास की ओर आगे बढ़ा सकें।